नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको सभी को बता कि अब टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं और मैथ की क्लास हमारे द्वारा हमसे पहले रोहित सर के द्वारा जी एस की क्लास हो चुकी है 8 बजे से। तो क्या चल रहा था जी, टॉपिक जो चल रहा था वो गोला चल रहा था और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात चल रही थी, ठीक है जी। आयतन को हम पढ़ रहे थे और 3D मेंसुरेशन का पार्ट चल रहा था। 3D मेंसुरेशन के अंतर्गत हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं पहले हम उनको बता देते हैं। वैसे डेली बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट रहते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने घनाभ को कंप्लीट किया था। किसको कंप्लीट किया था जी? घनाभ को। उसके बाद हमने घन को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने बेलन को पढ़ा, वह खोखला बेलन, वह खोखला बेलन। खोखला बेलन और अब हम पढ़ रहे हैं जी गोला, वह अर्धगोला, गोला वह अर्धगोला। हम इसको पढ़ रहे हैं, हमसे पहले रोहित सर की क्लास हुई है और जो क्लासेस का जो शेड्यूल चल रहा है वो है, देखिए 8 PM से डेली आपको एक जीएस की क्लास मिलती है। 8 PM पर डेली जीएस की क्लास, जीएस क्लास मिलती है आपको किसके द्वारा दी? रोहित सर के द्वारा। और 9 PM पर डेली क्लास एक लगती है जी मैथ की, मैथ किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मेरा नाम क्या जी? अनिल, अनिल सर। तो दो क्लास आपको कंटिन्यू मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो स्टूडेंट जैसे आने वाली वैकेंसी है कौन सी जी? यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट ध्यान से समझें, अगर हमारी क्लास जो चल रही है अगर आपने वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली तो ये मान के चलिए वो आपके लिए रामबाण है। आपका एक भी सवाल आउट नहीं जाने वाला, ये समझिए कि पेपर आउट वाले सवाल चल रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये आपका एक भी जो क्वेश्चन पेपर में सवाल आएंगे वो हमसे जो पढ़ा रहे हैं उससे आउट नहीं जाने वाला, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट सीरियस है वो कंटिन्यू प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट कैसे बनी हुई है जी? देखो हिस्ट्री बाई रोहित सर, हिस्ट्री बाई रोहित सर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है और ज्योग्राफी बाई रोहित सर, ज्योग्राफी भाई रोहित सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनके द्वारा चल रही है और मेरे द्वारा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो बनी हुई है जी मैथ भाई अनिल सर, मैथ भाई अनिल सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 100 से ज्यादा अब तक क्लास हो चुकी है, 100 से ज्यादा आपकी क्लास हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि 2-4 सवाल एक टॉपिक से कराए बात खत्म कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तरीके से पढ़िए और यूपी पुलिस का अच्छी तरीके से मेहनत करिए और तैयारी करिए। और हिंदी जो चल रही है वो हमारे मंगल सर के द्वारा चल रही है। हिंदी किसके द्वारा चल रही है जी? वो मंगल सर के द्वारा चल रही है, मंगल सर, हिंदी भाई मंगल सर के नाम से इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं इनका पढ़ाने का अंदाज भी बिल्कुल निराला। आते हैं शेर शायरी से स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर जुनून भर देंगे जी बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक, कि आपको बिल्कुल ये लगेगा कि बिल्कुल अलग अलग तरीके से हिंदी पढ़ रहे हैं। इनसे भी आप हिंदी पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आपको हिंदी मंगल सर के द्वारा, जीएस रोहित सर के द्वारा और मैथ मेरे द्वारा,
ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, फ्री कंटेंट दिया जा रहा, तो इस चीज का लाभ उठाइए। ऐसा ना हो कि भविष्य में यही चीजें पेड में पढ़ाने लगे तो आपको फिर समस्या होगी। अब जब तक फायदा आप उठाइए, इस चीजों का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, अभी से लग जाइए और आज से ही लग जाइए। हम अगर हमारा जो पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है बस इतनी सी बड़ी बात यह है, छोटी सी बात यह है। क्या आप सारी वीडियोस को कर लीजिए और यूपी पुलिस में आपका एक भी सवाल बाहर से आ जाए तो संस्थान में आ जाना और सवाल जवाब हमसे कर लेना, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप करो तो सही, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब बात रही, काफी होगी बात, और आपको बता दे हिमांशु सर के द्वारा भी मैथ पढ़ाया जाता, हिमांशु सर के द्वारा भी मैथ पढ़ाया जाता है जी, उनकी भी कुछ वीडियोस डली हुई हैं। अभी ऑफलाइन में व्यस्त होने के कारण वो अभी चैनल पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे। और एक हमारे बीच में है जी चिंटू सर, चिंटू सर भी मैथ के टीचर हैं, ठीक है, वो भी अभी ऑफलाइन व्यस्त होने के कारण वो भी अभी मैथ की क्लास नहीं ले पा रहे ऑनलाइन, ठीक। और एक हमारे पास है जी प्रतीक सर, प्रतीक सर जो BHU से PhD चल रहा है उनका, प्रतीक सर, प्रतीक पेरियार सर, और जो हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, हिस्ट्री से क्या माने जाते हैं जी, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं हिस्ट्री के, और ये नेट JRF के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हिस्ट्री इनसे भी नहीं बच पाई, ठीक है। सारे टीचर्स जो हैं वो अनुभव है, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं है, काफी सालों का एक्सपीरियंस है और अपने फील्ड में ये कह सकते हैं कि अपने अपने सब्जेक्ट में सब माहिर है, ठीक है। आप भरोसा करिए और ये अच्छे मार्गदर्शन देंगे सारे टीचर, हो सकता है मैथ के सारे टीचर्स आए चैनल पर, आपको एक साथ सारे टीचर्स भी देखने को मिले, मैथ के हैं सारी क्लासेस चले। फिलहाल ऑफलाइन की व्यस्तता के कारण क्या जी, जितनी क्लासेस मिल रही है उन क्लासों को ढंग से पढ़िए और तैयारी करिए। तो अब क्लासों को क्लास क्या अब स्टार्ट करते हैं जी। सवाल देखिए, देखो कहां तक हो गए थे कल की क्लास में, जो सवाल हो गए थे जी, देख छियासठ सवाल हो चुके थे, अब आइए 67। देखो 67 सवाल करेंगे आज हम, कौन सा जी 67। देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कह रहा जी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अरे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, और ये वक्र पृष्ठ की जो बात कर रहा है ये कर रहा जी सेंट्रल सरफेस एरिया, ठीक। त्रिज्या कितनी दी हुई है जी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोई गोला था उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या जो दी हुई है वो है जी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया पहले निकालना, जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे मेरे भाई तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता, 3πr² 3πr² 3 मल्टीप्लाई। अब थोड़ी सी बात और याद रखना, मैंने बताया था जब वृत्त चल रहा था यदि r की वैल्यू 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होएगा जी 616। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा 616, 16 थी 48 और 6 थी 18, 1848 ये हो गया जी सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1848 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बात समझ में आई। अब ये नहीं तो पाई की जगह आप 22/7 रख लेना, आप हल कर लेना, ठीक है। बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, अब भी अगर आपको ऐसा चाहिए तो भाई साहब डूब मारो कहीं। अब वो कह रहा कि सेंट्रल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ की बात चल रही है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र कितना हो जाएगा जी, ये कितना होता अर्धगोले का 2πr² जब 2πr² तो देखिए 2। अब मेरी बात फिर समझिए, r की वैल्यू यदि 14 है तो a की वैल्यू कितनी थी 616 मैंने अभी बताया, तो यहां पर लिखा 616, 16 दूनी 32 और 6 दूनी 12, 1232 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे आंसर आए। आंसर क्या, एक तो हो गया जी 1848 और दूसरा 1232 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या निकल कर आए, इस सवाल के दो आंसर्स निकल कर आए।
बिल्कुल एक एक बात समझ में आ गई, चले आगे। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 68 सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मतलब सेंट्रल सरफेस एरिया की बात चल रही है जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अब देखिए जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वो होता है जी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी दी हुई है जी, आर की वैल्यू दी हुई है 7, आर की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। यदि आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम एक ही बात करें पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है 154 के। ये बात मैं दोबारा मतलब कई बार लिख चुका हूं, तो ये बातें आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। जैसे ही आर की वैल्यू 7 दी गई तो क्षेत्रफल ए की वैल्यू 154 ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा 2 मल्टीप्लाई आर, कितना दिया हुआ जी आर जो दिया हुआ वो 7, जब आर दिया हुआ तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 154। तो 154 मैंने यहां लिखा, ये कितना हो जाएगा 150 का 300 और 4 दूनी 8, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल कर आया, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आया। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल कर आया जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आया। बस सुन भाई चले आगे नेक्स्ट सवाल। देख कौन सा 69, देख सवाल को पहले पढ़िए, सबसे पहले आपको क्या करना है जी सवाल को पढ़ना हो। ए और बी गोले के आयतन 125:64 के अनुपात में, यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए का जी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा। देख ए और बी क्या थे जी, गोले थे ए और बी, गोले हैं और उनका आयतन जो दे रखा वो किसके बराबर दे रखा, देख आयतन दे रखा 125 और 64 के, 125 और 64 के। मेरी थोड़ी सी बात समझना, जब आयतन का अनुपात दे रखा तो ये कह रहा है इनकी त्रिज्याओं का योग, यदि हम आर की वैल्यू निकालें, यदि आर की वैल्यू निकालें तो इसका हम क्यूब नहीं ले सकते भाई, हम इसका 125 का क्यूब कर देंगे, क्यूब नहीं अगर हम इसका घनमूल निकालें, यहाँ 3 और 1 64। अब ऐसा क्यों कर रहा ये भी हम बता देते हैं। तो देखिए अगर पहला गोला उसका आयतन 4/3 पाई आर वन की घात थे, दूसरा गोला उसका आयतन 4/3 पाई और आर टू की घात 3 किया, सॉरी इनका जो अनुपात दे रखा वो 125/64 दे रखा, 4/3 से ये 4/3 पाई कट जाएगा और ऊपर कितना बचा जी आर वन की घात 3/r2 की घात 3। जब हम आर वन बटे आर टू करेंगे मेरे भाई तो घात 3 है, तो हम इस पर क्या ले लेंगे घनमूल, मतलब घनमूल नहीं सॉरी हाँ घनमूल निकाल देंगे 125/64। तो ये इस वजह से हमने लिया, बात समझ में आ गई, आगे होगी जी बिल्कुल। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आएगा जी 4, इसका मतलब जो त्रिज्याओं का जो अनुपात निकल कर आया वो कितना निकल कर आया जी 5। बात समझ में आई, अब इस बात को हम रफ कर देते हैं, देखिए इस बात को हमने रफ कर दिया। अब वो कह रहा इन दोनों की त्रिज्याओं का योग कितना दिया हुआ है जी सवाल में, ये कह रहा त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर, त्रिज्याओं का योग कितना दिया हुआ जी 36 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा दोनों को जोड़ा, 5/4 9 भाग किसके बराबर करा 36, एक की वैल्यू किसके बराबर करी जी 4 के। बस भाई अब ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर रहा, तो ए की त्रिज्या कितनी है जी 5, 1/4 के तो 5 भाग किसके बराबर हो गए 5 × 20, पहले वाले की त्रिज्या कितनी आई ये आर वन की वैल्यू निकल कर आई, यदि आर टू की बात करते
तो एक भाग चार, तो चार भाग बराबर 16 था, ठीक है। अब वो कह रहा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई जो का तो हमने रहने दिया, आर की जगह कितना जी पहली वाली तरह 20, 20 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर कितना आया मेरे भाई 4π × 20 का स्क्वायर, इसका मतलब 20 × 20। अब गुणा कर लो, 4 × 16 1600π और सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्रश्न भाई, ये और भी दो गोले थे, उनके आयतन का अनुपात 125:64। आर की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो इनका हम घनमूल निकालेंगे, क्यों प्रोसेस बताया, आर का अनुपात 5:4 आया, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, किसके बराबर है 36 के, ए की वैल्यू 4, वो कह रहा पहले की तरह जब 5 भाग बराबर 20 के, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π r² 4π और r की जगह 20 का स्क्वायर करा तो ये कितना हो गया जी 1600π, 1600π दे रखा है, पाई यहां लगा देंगे जी, ठीक पाई, ये सब पाई में ही मानते, देखिए तो ये हमारा करेक्ट आंसर। सवाल समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट सवाल पर अब हम चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देखिए, 70। सबसे पहले आपका काम है सवाल को पढ़ना, और आज गोले के सारे सवालों को हम खत्म कर देंगे। देखिए जी, सवाल में क्या दिया हुआ है कि यदि गोले की सतह का क्षेत्रफल S और आयतन V है तो S की घात 3/V² का मान कितना होगा। तो अब सीधा सीधा मेरी बात थोड़ी सी समझिए आप, क्या सतह का क्षेत्रफल जो गोला है अगर उसकी त्रिज्या आर है तो सतह का क्षेत्रफल कितना होता है जी 4π r² 4π r² यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन किसके बराबर होता है मेरे भाई 4/3 πr³। ये दो मान आपको पता, ये बेसिक बातें हैं बिल्कुल, और बेसिक सही हमको कर देना है। तो वो कह रहा कि एस की घात 3, सवाल में कह रहा है s की घात 3 बटे v² की वैल्यू बताइए, v² की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, s की घात 3 है तो s कितना 4π r² मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए, 4π r² और बटे में हमने क्या लिखा जी v की वैल्यू कितनी है 4/3 πr³। अब ये मैंने ऐसे लगाया क्यों, क्योंकि s जो है उसकी घात 3 है, तो मैंने 3 यहां लगाया और यहां पर स्क्वायर लगाया, बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं जी आगे थोड़ा सा, कैसे देखो, जब 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा 64। अगर मैं ये लगू मेरे भाई a b c की घात 3, तो हम इस बात को ये भी कर सकते हैं कि a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3, सब पर घात 3 आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने क्या करा जी, 4 की घात 3 मैंने करा, मैंने लिखा इसी तरीके से, क्या समझना मेरी बात, तो 4π है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो नहीं लिख सकता 4 की घात 3, वो मैंने अलग अलग कीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसी तरीके से r² की घात 3, ये इसी तरीके से सभी पद को जोड़ा, मतलब सभी पद को अलग अलग करा, ऐसे ही नीचे करना, तो मैं डायरेक्ट कर लूँ 4 की घात 3 64, और ये कितना आ गया जी π³, तो π³ r² की घात 3 है, तो इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा जी r² 6। अब नीचे दे रखा 4/3, इसकी घात हम 3 कर लेंगे, और पाई है, इसकी घात 3 कर लेंगे, r की घात 3 है और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो जब इसको हल करेंगे 4/3, तो 4 की घात 3, इसका मतलब ये 64/3 × 9 = 27 आ गया, घात 3 है तो भी 3 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब यहां पर करा जी पाई की घात 3, तो पाई नहीं, स्क्वायर की बात चल रही है जी, घात 3 नहीं है नीचे, देखिए घात नहीं, स्क्वायर की बात चल रही थी, देखिए क्या जी, वी का स्क्वायर है, जब वी का स्क्वायर है तो हमने क्या करा 4/3 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर और आर की घात 3 का स्क्वायर, ये हमें करना, 4 का स्क्वायर कितना आएगा जी 16 और 3 का स्क्वायर बटे में 9,
गुणा ये कितना हो जाएगा जी, पाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई आर की घात 6, ये हुआ। अब मेरी बात समझिए, 16 से हम कितनी बार काटेंगे, 64 को 4, पाई स्क्वायर से ये 3 खत्म, 1 पाई बचा, आर की घात 3 से आर की घात है। इस 9 की गुणा कहाँ कर देंगे हम, ऊपर। 9 की गुणा जब 4 में करेंगे कितना आएगा जी, 36, और 1 पाई ऊपर बचा, ये हमारा करेक्ट आंसर, 36 पाई एक, 36 पाई एक क्या हुआ जी, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, एक एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी, समझ में आई जी बात, चलें आगे, आ जाओ जी, चलते हैं आगे। नमस्ते, ठीक, नेक्स्ट सवाल, 71, ठीक है, 71, 71 में क्या है, देखो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए, उनमें यदि 2 छोटे गोले की त्रिज्याएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्याएं कितनी हो। देखिए, सीधा सीधा यह है, अगर एक टेक्निक यूज करें, अगर आपको मेरी बात यह समझ में आ जाए, कोई गोला है, ठीक, 3 छोटे गोलों में बांटा गया, ये 3 छोटे गोले बना दिए गए भैया इससे, त्रिज्याएं अलग अलग दी हुई हैं, ये वाली जो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है जी, 12, और 3 छोटे गोले में 2 के छोटे गोलों की त्रिज्या, एक की कितनी है जी, 6, और एक की त्रिज्या कितनी है जी, 8, तो ये करा इसकी बताइए, इसकी क्या होगी। देखिए, इसमें जो ना प्रत्येक में अंतर बराबर होता, प्रत्येक में अंतर कैसे जी, बराबर, मेरी बात ध्यान से समझना, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12, भाई अगर ऐसे लगा दोगे आप, जैसे सबसे छोटे गोला उसकी त्रिज्या 6, उसके बाद कितना जी, 8, और उसके बाद कितना जी, 10, और इन तीनों को मिलाएंगे तो 2 अंतर से लगा के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक नया गोला बनाएगा, अगर पिघलाकर कर दिया जाए, या तो इस टेक्निक को यूज कर लो, ठीक है, 6 8 10 सीधा लगाइए, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई 3 गोले थे, एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दूसरे की 2 सेंटीमीटर, तीसरे की 3 सेंटीमीटर, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएगा, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, एक एक का अंतर, एक एक बढ़ाते गए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 निकलेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब रही बात बेसिक कंसेप्ट की, भाई बिल्कुल बेसिक से बताओ कि कैसा होगा, तो उसको भी देख लो। देख, अब बड़ा गोला जो भी था उसका आयतन बराबर होगा, भाई 3 छोटे छोटे गोले थे, v की घात 3 और v2 की घात 3 और मेरे भाई v3 की घात 3, ये हुआ। जब आयतन बराबर थे तो बड़ा गोला जो, उसकी त्रिज्या r हो जाए कैपिटल, ये मान के चलेंगे r की घात 3, बिल्कुल बेसिक से समझिए जी कैसा आया, 4 बटे 3 पाई r1 की घात 3 प्लस 4 बटे 3 पाई r2 की घात 3 मेरे भाई 4 बटे 3 पाई आर थ्री की घात 3, हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, 4 बटे 3 इधर और पाई, 4 बटे 3 पाई, 4 बटे 3 पाई, 4 बटे 3 पाई, इधर से कॉमन ले लेंगे वो कट जाएंगे, कितना निकल कर आया जी, आर की घात 3 बराबर आर वन की घात 3, आर टू की घात 3 और प्लस आर थ्री की घात 3, इतनी बात निकल कर आई। अब देखिए, कैपिटल आर कितना जी, 12, तो हमने करा 12 की घात 3, आर वन कितना जी, 6, 6 की घात 3 प्लस आर टू कितना जी, 8 की घात 3 प्लस, यहां पर क्या जी, आर थ्री की घात 3 का मान हमें निकालना। और 12 की जब घात 3 करेंगे 1728 आएगा, और ये कितना आ जाएगा जी, 216, और ये आ जाएगा जी 512 प्लस का आर थ्री की घात 3, 1728 बराबर, जब इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7, 728, देखिए 1728 है, जबकि इतना बड़ा आपको समय मिलेगा नहीं, फिर भी बताना पड़ रहा है जैसे कि समझ में आए, 216 और 512 को जोड़ेंगे 728, 728 हम किधर लेकर आए जी, इधर, और आर थ्री की घात कितना हो जाएगा 3, इधर कितना बचा जी, 1000 बराबर आर थ्री की घात 3, तो R3 का मान निकालेंगे तो भाई इसका घनमूल ले लेंगे,
आर थ्री, ये कितना आ जी 10 गुणा 10 और गुणा 10, तीन तीन के पेयर बनाते हैं उसके हिसाब से हम आर थ्री की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से निकल कर कितना आया, आर थ्री की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी तराजू। समझ में आ गया ना, बिल्कुल करेक्ट अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। वैसे इतना आराम से पढ़ाया जा रहा है कि आपके दिमाग में एक एक बात जा रही होगी। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई डूब मरने के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं बता, आपके पास कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट, देख 72 पर आइए, छह सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में ढाला गया, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी, एक समान गोलों में, जब एक समान 8 गोलों में ढालाया गया, इसका मतलब भैया जो बड़ा गोला था उसका आयतन और जो 8 गोले बनाए गए थे, तो एक छोटे गोले मतलब 8 गोले का आयतन बराबर होगा, इसका मतलब 8 गोले और जो छोटे गोले थे उनकी त्रिज्या स्मॉल आर लेकर ये होगी। कहानी समझ में आई, बड़ा गोला जो भी था उसका आयतन और 8 समान गोले छोटे बनाए गए, तो भाई बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा। अब थोड़ी सी बात और समझिए, क्या 4/3 पाई, 4/3 पाई, आर कितनी दे रखी थी कैपिटल आर, ये कह रहा जी व्यास जो दे रखा बड़ा वाला जो गोला था उसको जो पिघलाया उसका व्यास 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, तो त्रिज्या हमने 3 यहां पर रखी, 3 की घात 3, 8 गुणा ये कितना हो जाएगा स्मॉल आर की घात 3, तो हम क्या कर लेंगे जी इसे ऐसा कर सकते हैं 3 की घात 3 और बटे 8 को हम कर लेंगे 2 की घात 3 बराबर r की घात 3, ये हो। अब जब घात 3 है तो भाई मेरे भाई 3/2 आ जाएगा और बराबर r, तो कितना आ जाएगा जी 1.5, पास समझ में आ गई ना 1.5 क्यों आया, नहीं समझ में आया तो भाई ऐसा देखो 27 बराबर 8 × r की घात 3, तो 27/8 आया बराबर r की घात 3। अब यहां से जब r की वैल्यू निकालेंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे जी बराबर r, ठीक है अब तो समझ में आ गया, 3 इसका 27 का 3 के पेयर बनाएंगे, 3 में से एक 3 निकल कर आएगा, नीचे 2 के 3 पेयर बनाएंगे, 2 निकल कर आएगा और r 1.5 बराबर r के 1.5 बराबर r के, ठीक है समझ में आया। और नेक्स्ट सवाल पर आइए, देखिए इससे नेक्स्ट सवाल, देखिए एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या, देखो जो ठोस गोला था गोलार्ध मतलब अर्ध गोला, उसका आयतन किसके बराबर होता है जी, आयतन होता 2/3 πr³, और या मैं फिर एक वर्ड और लिख देता हूं आपको जिससे कि समझ में आए, देखिए कि इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है v किसके बराबर दिया जी, टोटल सरफेस एरिया, आयतन जो है हम क्या करेंगे 2/3 πr³, और जो अर्धगोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है टोटल सरफेस एरिया 3 πr² इसके, देखिए अब पाई से तो पाई कट जाएगा, यहां पर r स्क्वायर है, हाँ r की घात 3 तो r बचा, जब r बचा तो यहां पर r बराबर कितना हो जाएगा, इस 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 और बटे 2 आया, तो हम क्या कर देंगे जी 4 सही 1/2, ये कितनी निकल कर आई जी उसकी त्रिज्या निकल कर आई, ठीक है 4 सही 1/2,
ठीक है, आसान सवाल है, कुछ नहीं है। v बराबर टोटल सरफेस एरिया के 2/3 पाई r की घात 3 बराबर 3 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई काट दिया, r स्क्वायर से r की घात 3, एक r बचा, 3 की गुणा 9, 3 में गली 9 और ये 2 को नीचे लगेगा 4.5। प्रश्न मांगी होगी और ये SSC CAPF SI में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, चौहत्तर, चौहत्तर है जी। दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है, उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात। देखो आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना। क्या सवाल में पूछा गया है? देखो दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता दे रखी है, कितना जी, दो अर्ध गोलाकार बर्तन थे, एक V1 6.4 ये दे रखा और V2 जो दे रखा वो कितना दे रखा, V2 वो दे रखा जी 21.6। ठीक है, अब वो कह रहा है उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात, आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताना। तो हम ये भी कह सकते हैं जो जो दो भी गोले थे, ऐसे माने फर्स्ट गोला सेकंड गोला, ओ उनका जो आयतन का जो अनुपात हम कह सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा, जो अनुपात की बात करें। अब मेरी बात समझना, तो v समानुपाती किसके बराबर होता है, r की घात 3 के, क्योंकि v की वैल्यू अगर करें तो किसके बराबर होगा, 4/3 पाई r की घात 3, इसको अगर ढक दिया जाए तो r की घात 3 के हुआ। तो v बराबर यदि हम अनुपात की बात करें तो इसका घनमूल और अनुपात r कर सके, ठीक है, इतना कर सकते हैं ना। नहीं आई बात सुनो, r की घात 3 समानुपाती हम v के कर सके और r बराबर हम v का क्या कर सकते हैं जी, घनमूल। ठीक है, बेसिक से ही बताऊंगा पहले, ऐसे समझिए। तो r जैसे ही हम निकालेंगे तो इसका भाई घनमूल निकालेंगे कितना आएगा, 0.4 अनुपात 0.6। 64 का यदि घनमूल निकालते हैं तो 4 और 216 का 6, तो इससे ये कट जाएगा, कितना दे रखा जी, 4/6 दे रखा, हल नहीं किया तो 4:6 कर देंगे। बस भाई एक तरीका तो ये हो गया, अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। एक तरीका तो ये, अब दूसरे तरीके की और बात करते हैं। देखिए देखिए, अब V1/V2 बराबर हम ये भी कर सकते हैं 6.4 और अनुपात किसके जी, 21.6। V1 कितना जी, 4/3 पाई R1 की घात 3 बटे V2, 4/3 पाई R2 की घात 3, कोई समस्या नहीं जी, 6.4 बटे 21.6 के 4/3 पाई से पाई। अब मेरी बात समझना, ये R1 बटे मैंने R2 लिखा की घात 3 कर दिया और इधर 0.4 बटे 0.6 की घात 3, घात 3, तो कितना निकल कर आया जी, R1 बटे R2 बराबर यानी 0.4/0.6, पॉइंट से पॉइंट, तो हम कर सकते हैं इसको 4:6 भी लिख सकते हैं। पास सुन भाई ना, ये बिल्कुल और बेसिक सा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 4:6 के वो। तो आज के सवाल सिर्फ इतने ही करें, ठीक है, एक एक सवाल थोड़ा स्लो स्लो कराया जा रहा, और जैसे आपको वीडियोस जैसे करनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस कर लीजिए, ज्यादा भी कर लीजिए, थोड़ा इस तरीके से बताया जा रहा है जिससे कि आपके इतना समझ में आए जितना आपके लिए पर्याप्त है एक दिन के लिए। और एक एक वीडियोस को देख लीजिए भाई, यूपी पुलिस के लिए राम बाण है, आपका एक भी सवाल आउट नहीं जाने वाला, आप भरोसा करिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, जय हिंद।